दोस्तों, बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने जितने भी भविष्यवाणियां की है वे सभी सच साबित हुई है। बाल्कन ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थी, जो आज के समय में सच निकली है। बाबा वेंगा ने 2016 में यूरोप पर मुस्लिम आतंकी हमले की भविष्यवाणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया था कि 2010 में मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में मंगल ग्रह पर युद्ध होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को लेकर आए हैं जिनको जानकर आप सहम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल फैक्ट्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा का जन्म बुल्गारिया में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमोत्रोवा था। एक रहस्यमय तूफान में मात्र 12 वर्ष की आयु में इनकी दृष्टि चली गई थी, लेकिन फिर भी यह भविष्यवाणियां कर लोगों की मदद किया करती थी। बाबा वेंगा को रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। वेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियां की, इनमें से ज्यादातर सच साबित हुई। इनकी कई भविष्यवाणियां क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर से संबंधित थी। हालांकि उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक घटनाक्रमों की भविष्यवाणियां भी की थी। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला और 2004 में सुनामी, अफ्रीकी अमरीकी मूल के व्यक्ति के अमरीकी राष्ट्रपति बनने और 2010 के अरब वसंत की भविष्यवाणी कर चुकी थी। आओ जानते हैं कि बाबा वेंगा ने आने वाले समय के बारे में क्या क्या भविष्यवाणियां की है। अंत में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वर्षों के लिए बाबा वेंगा ने धर्मों और राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या क्या भविष्यवाणियां की है। मित्रों, बाबा वेंगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 में सुनामी की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे और ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे। समुद्र से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें शहरों और कस्बों के कुछ हिस्सों को अपने आप में समेट लेगी और धीरे धीरे सब कुछ पानी में गायब होने लग जाएगा। 1989 की भविष्यवाणी में अमेरिका में आतंकी हमले की घटना। मित्रों, बाबा वेंगा ने 1989 में पहले ही अमेरिका के ऊपर आतंकी हमले की घटना के बारे में बता दिया था और यह ऐसा साबित भी हुआ, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ था। दोस्तों, अब हम आपको सीधी सीधी वह भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो बाबा वेंगा ने बताई थी और वह सच साबित हो चुकी है। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होगा और बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। लेबनान में दंगे, निकारागुआ में युद्ध, साइप्रस विवाद, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, चेर्नोबिल में न्यूक्लियर हादसा, स्टालिन की मौत की तारीख, सीरिया में सिविल वॉर, क्रीमिया का अलग होना। दोस्तों, यह तो थी वह भविष्यवाणियां जो अब तक साबित हो चुकी है। अब हम आपको वह भविष्यवाणियां बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सही साबित हो सकती है। 2028 में नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा। 2043 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों का बदलाव इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमरीकी अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा, इससे तापमान अचानक गिर जाएगा। 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। 2111 में इंसान और रोबोट आपस में मिल जाएंगे और उन्हें साइप्रस कहा जाएगा। 2154 के बारे में लिखा है कि क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी को अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ेगा। 2195 में एलियंस की मदद से इंसान पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। एक दूसरे ग्रह के लोग एक दूसरे ग्रह में आसानी से जा सकेंगे। 2480 में दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे, पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। 3005 में मंगल ग्रह पर युद्ध होगा।